कुछ एग्जांपल कर रहे हैं हम थर्मोडायनामिक्स के, और ये है इंटेंसिव प्रॉपर्टी का, तो बहुत इजी है। आउट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट एंट्रोपी पीएच द डेंथ एंड डेंसिटी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। तो आपको लग रहा है बॉइलिंग पॉइंट क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, नहीं। तो ये कौन सा है? इंटेंसिव, यानी जहां फर्स्ट आ रहा है वो तो सही है, एंट्रोपी नहीं, मोलर एंट्रोपी होता है, तो सेकंड जहां आ रहा है वो सब क्रॉस हो गया, पीएच इंटेंसिव क्योंकि ये कंसंट्रेशन टर्म को रिप्रेजेंट करता है इसलिए है, और डेंसिटी भी। तो आंसर गोज टू सी, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका आंसर सी ट्रिक की है। ओके नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। कंसीडर द रिएक्शन एट 300 केल्विन। आपके पास क्या दिया हुआ है? H2Cl2 गैस दिया हुआ है और इस तरह से चेंजेज हो रहा है। इफ 3 मोल ऑफ H2 कंप्लीटली रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ Cl2 टू फॉर्म HCl, व्हाट इज डेल्टा यू नॉट फॉर दिस रिएक्शन। हमें इसके लिए डेल्टा यू नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डेल्टा यू नॉट का मतलब क्या होता है? डेल्टा ई, यू और ई बराबर है, और नॉट का मतलब है कि टेम्परेचर स्टैंडर्ड लिया गया है 298 केल्विन स्टैंडर्ड टेम्परेचर। जरूरत नहीं है, देखते हैं अपन। तो हमारे पास 3 मोल ऑफ H2 कंप्लीटली रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ Cl2। तो आपको क्या लग रहा है एक सेकंड के लिए कि यहाँ डेल्टा एन जी होगा क्या? जीरो। तो डेल्टा एन जी जब जीरो होगा तो डेल्टा यू और डेल्टा एच क्या होंगे? बराबर होंगे फॉर दिस रिएक्शन, यस और नो? अब आगे तो यहां हमारे को कुछ और भी देखना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट यू नॉट फॉर दिस रिएक्शन। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? वही। अच्छा हाँ बेटा बिल्कुल, आप ये बताइए कि बहुत अच्छा पॉइंट है आप जो बोल रहे हो कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यस। डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है? जीरो, पक्का। तो हमारे लिए डेल्टा ई 1 मोल के लिए कितना होगा जब ये एक एक मोल रिएक्ट करते हैं? तो हमारे लिए आ रहा है -185 किलो जूल 1 मोल के लिए, समझ में आ रहा है? लेकिन हमारे को 1 मोल नहीं दिया है, 3 मोल के लिए कितना होगा? डेल्टा ई फॉर 3 मोल, यानी हमारे को इस रिएक्शन के लिए निकालना है 3 मोल ऑफ H2 प्लस 3 मोल ऑफ Cl2 प्लस 6 HCl। तो इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू कितनी होगी? -185 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहां पर डेल्टा ई की वैल्यू भी हमारे पास कितनी होगी? मल्टीप्लाई बाय 3। और क्या आपको ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? नहीं। तो आंसर क्या जाएगा? डी, नन ऑफ दिस। आ रही है बात समझ में? तो ये हमारे लिए एक और एग्जांपल हुआ, दिस लिखें इसको। अगला एग्जांपल हमारे को दिया गया है इथाइल क्लोराइड जो कि C2H5Cl इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ इथाइलीन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो ये हमारे पास इथाइलीन है, HCl के साथ हुआ, इथाइल क्लोराइड बन गया। कोई ज्यादा परेशानी की वाली बात नहीं है। डेल्टा एच की वैल्यू -72.3 किलो जूल है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई इफ 70 ग्राम ऑफ इथाइलीन एंड 73 ग्राम ऑफ HCl आर अलाउड टू रिएक्ट एट दिस टेम्परेचर। तो आपको बहुत इजीली सोचना है कैसे, C2H4 प्लस HCl C2H5Cl गैस बन रहा है, बनने दीजिए, और हमारे पास 70 ग्राम इथाइलिन और दिस है अलाउड टू दिस, और हमें डेल्टा ई बताना है, ठीक है। डेल्टा एच नॉट हमारे को दिया हुआ है इतना। तो पहले तो ये देखिए इसमें LR कौन होगा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? 70 ग्राम तो इथाइलिन दे रखा है और HCl कितना दे रखा है? 73 ग्राम। तो आप ही बताइए दोनों पहले बैलेंस है या नहीं है? बैलेंस है। 73 को किससे डिवाइड किया जाए? 36.5, और 70 को किससे डिवाइड किया जाए? 28। तो आपको क्या लग रहा है, ये वैल्यू कम है, ये LR होगी, होगी या नहीं होगी? ये LR होगी। तो अब हमें रिएक्शन कैसे लिखना है? C2H4 प्लस इसके कितने मोल? 73 डिवाइडेड बाय 36.5 मोल ही है, अब सबके इतने ही रखने हैं। 73 डिवाइडेड बाय 36.5 कितना आ जाएगा? 2 ही मोल है, तो फिक्स 2 मोल आ रहा है। तो अब आप क्यों इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं? हमारे को 2 मोल आ रहा है, तो ट्वाइस C2H4 प्लस
plus twice HCl convert to C2H5Cl. और इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक मोल के लिए दे रखा है -72, तो दो के लिए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय टू, यस और नो, 72.3 मल्टीप्लाई बाय टू आ जाएगा। अब आगे डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, हाँ या ना, तो बताइए डेल्टा एच की वैल्यू आपके पास कितनी है, -72.3 मल्टीप्लाई बाय टू, डेल्टा ई निकालना है, डेल्टा एन जी कितना है बताइए, 2 माइनस 4 माइनस 2, ये हमारे पास डेल्टा एन जी हो गया इस रिएक्शन के लिए। आर की वैल्यू हमें देखना है कि आंसर किस यूनिट में पूछा जा रहा है, किलो जूल, तो 8.314 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 300, क्यों 300 लिया जा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर हमें 300 केल्विन दिया जा रहा है। तो अब हमारे को किस सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है, तो कर लेंगे आप कैलकुलेशंस, तो हमारे पास अप्रॉक्सी ये आएगा -139, बिल्कुल सही जा रहे ये, तो इसका आंसर क्या जा रहा है हमारे लिए, दिल्ली, कोई डाउट नहीं है, लिखे इसको। देखिए इस क्वेश्चंस को करते हैं हम, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, व्हाट इज डेल्टा यू फॉर प्रोसेस डिकम्पोज बाय फिगर हीट सप्लाई ड्यूरिंग द प्रोसेस दिस, क्यू दे रखा है और हमसे क्या पूछा जा रहा है, डेल्टा यू, तो डेल्टा यू यानी डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू, हाँ या ना, क्यू की वैल्यू क्या है, हीट सप्लाइड कर रहे हो, यस हीट सप्लाइड ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी कि कितना दिया गया है 100 किलो जूल प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू को भी किलो जूल में रखना पड़ेगा, ठीक है, तो हमें एरिया की जरूरत पड़ेगी, ये एरिया हमारे को लेना होगा पूरा, तो क्या आप बता सकते हो ये एरिया अपन दो पार्ट में निकाल लें, हाँ, फर्स्ट पार्ट का कितना है, ये कितना वॉल्यूम है 1 और ये कितना है 1 प्लस 1 × 1/2, हाँ यस क्लियर है, तो ये हमारे पास किस में आएगा, देखा जाए तो एटीएम लीटर नहीं, नहीं 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 नहीं, हमें चेंज करना पड़ेगा, बार को किस में चेंज करा जाए, कि एटीएम में बार को फास्कल में चेंज कर लो, सीधा जूल आ जाएगा, तो ये हमारे पास थे बार को, हमारे पास जो प्रेशर है उसको हमने चेंज किया कितना, 10 पावर प्लस फास्कल में चेंज करना है 10 पावर 5, तो ये हो जाएगा फास्कल मीटर क्यूब, अब इसको किलो यानी ये जूल हो गया, तो डिवाइडेड बाय 1000 करते ही ये हमारे पास किलो जूल हो गया, तो हमारे पास हो गया 100, क्योंकि अभी ये देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है या कम हो रहा है इसके अंदर, प्रोसेस के अंदर बढ़ रहा है, तो ये हमारे पास बढ़ रहा है, तो ये हमारे लिए वर्डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो 100 माइनस 1 प्लस 1/2 3/2 इंटू 100 150, तो ये 150 माइनस किलो जूल में हो गया, तो नेट वैल्यू कितनी आ गई, -50, यानी आंसर क्या जाएगा हमारे लिए, बी फॉर बॉम्बे, और यूनिट क्या बनेगी इसकी, किलो जूल में ही, इज दैट क्लियर, करें इसको। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत इजी क्या है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपांड रिवर्सिबली एडियाबेटिकली फ्रॉम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पहले मैं डायग्राम बना रहा हूं, रिवर्सिबल एडियाबेटिक ये गया हमारे पास, और 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ऑब्वियसली यहाँ टेम्परेचर जो होगा वो 27 से कम होगा, ये बात तो मैं जानता हूँ, यानी 300 केल्विन से कम होगा, कितना कम होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, और क्यू की वैल्यू क्या होगी, एडियाबेटिक का नाम सुनते ही 0, तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी, क्यू प्लस डब्ल्यू, और क्यू की वैल्यू आपने पहले ही बोल दिया 0, तो डब्ल्यू की वैल्यू ही हमारे लिए डेल्टा ई होगी, डेल्टा ई की वैल्यू क्या होती है, एन सी वी डेल्टा टी, यानी टी टू माइनस टी वन। अब बताइए डब्ल्यू क्या है आपके पास, डब्ल्यू आपके पास है यहाँ पर वर्डन जो है, वर्डन बाय गैस प्रोसेस इज 3 किलो जूल, यानी कि 3000 किलो जूल, ठीक है चलने दीजिए। एन की वैल्यू कितने मोल दिए क्वेश्चन में पढ़े, 1 CV, कौन सी गैस है, गैस हमें कुछ दी हुई है, आइडियल जो भी दी हुई हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, 20 हमारे पास सीवी की वैल्यू दी हुई है, और डेल्टा टी,
तो डेल्टा टी की वैल्यू हमें करना है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 300, 3000, तो डेल्टा टी की वैल्यू इस कैलकुलेशन से करेंगे, 0 0 कितना हो जाएगा, माइनस 150, समझ में आ रहा है। और डेल्टा टी हमारे पास कितना होगा, T2 माइनस T1 जो कि हमारे पास है माइनस 150, तो T2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 150 प्लस T1, माइनस 150 प्लस 300, तो आंसर कितना जाएगा, प्लस 150 केल्विन। तो प्लस 150 केल्विन आंसर, इसका मतलब क्या जा रहा है हमारे पास, सी। इजी क्वेश्चन है, करें। डेल्टा ई हमेशा एनसीवी डेल्टा टी होता है, प्रोसेस आइसोथर्मल हो, आइसोबारिक हो, एडियाबेटिक हो, कोई सा भी हो, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। डेल्टा ई का मतलब ही यही है आपका, कोई भी प्रोसेस हो डेल्टा ई यही जाएगा, बस गैस आइडियल होनी चाहिए और कुछ नहीं सोचना है। देखिए इस क्वेश्चन में व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी डेल्टा ई हमसे निकाल रहा है, डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, सही है। तो Q की वैल्यू कितनी दे रखी है और W की वैल्यू क्या दे रखी है, आपको कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि आपको प्रेशर कांस्टेंट दे रखा है, तो वर्डन तो आपके पास हो गया माइनस P डेल्टा V, यानी V2 माइनस V1 आप कर सकते हैं। और Q के बारे में सोचना पड़ेगा, कितना हीट है आपके पास, कूल बाय रिमूविंग 124 हीट, तो इतना कूल रिमूविंग कर रहे हो यानी कि माइनस 124, बस। तो दोनों तरफ से आपके लिए इस तरह से हो रहा है वर्डन, ठीक है, वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट प्रेशर इतना, तो वॉल्यूम आपके लिए डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट हो जाए, माइनस 124 माइनस पी, पी की वैल्यू बताइए जल्दी से, पी की वैल्यू है आपके पास प्रेशर जो दिया है 2 atm, क्योंकि टॉर को आपने किस में चेंज कर दिया 10, और डेल्टा वी की वैल्यू बताइए, तो डिक्रीज हो रहा है यानी कि 200 ml, तो 200 ये माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस अपॉन 1000, तो ये किस में चेंज हो गया, एटीएम लीटर में, एटीएम लीटर को आपको किस में चेंज करना है, जूल में, तो हम 100 मान लेते हैं। अब क्रॉस करना चाहता हूँ, 00 00 10, तो ये कितना आ जाएगा, 40, तो माइनस 124 प्लस 40 कितना हो रहा है, ये वैल्यू माइनस 84 जूल, आंसर क्या जाएगा, बी बॉम्बे। तो कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है हमारे क्वेश्चंस, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एससी वर्मा का लिया हुआ क्वेश्चन है, यानी फिजिक्स का क्वेश्चन है और हम केमिस्ट्री में डिस्कस कर रहे हैं। द हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड वाटर दी गई है, इतना जूल पर मोल, हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड वाटर, ठीक है। व्हाइल द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हमें दिया गया है, फ्यूजन ऑफ आइस यानी कि आइस को मेल्ट होने पे इतना है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ आइस क्यूब्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ईच कंटेन 9 ग्राम ऑफ वाटर नीडेड टू कूल 500 ग्राम ऑफ लिक्विड वाटर 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप पहले इसका डायग्राम बनाएं, सॉल्यूशन आपके पास ये पानी है, कितना पानी रखा हुआ है, वाटर कितना है आपके पास 500 ग्राम, ये आपके पास आइस क्यूब्स हैं, कितने आइस क्यूब्स हैं, एन, इन दोनों को मिला दिया गया, तो नेट टेम्परेचर आपका कितना हो जाएगा, ये तो रहेगा, और टेम्परेचर कितना हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी आपके पास कितना था टेम्परेचर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप मुझे बताइए ये क्या करेगा, ये इसको हीट देगा, क्यों क्यों हीट लेगा, और ये लेगा, और ये एक लेगा एक देगा, दोनों बराबर है, तो हमें वहीं से कमेंट करना है और बताना है कि ये क्या है, और इसका खुद का 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहां पर ये जब हीट लेगा तो भी इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, क्योंकि वो हीट अपने वो मेल्ट करने में यूज कर रहा है, ना कि टेम्परेचर बढ़ाने में, तो कहीं ना कहीं हमारे को यहां ये देखना होगा कि हीट लॉस बाय दिस सिस्टम इज इक्वल टू हीट गेन बाय दिस सिस्टम, दोनों का अलग अलग निकालते हैं, तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, हीट लॉस
बाय वाटर इज इक्वल टू हीट, ये एच टू ओ है लिक्विड, हीट गेन बाय एच टू ओ आइस, आइस हीट गेन करेगा, तो हीट लॉस बाय कैसे करेंगे अपन? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये हीट लॉस कर रहा है? हाँ, अगर आप, और ये हीट गेन करके क्या करेगा? लिक्विफाइड हो जाएगा। तो ये जब हीट लॉस करेगा तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, तो हमें मैग्नीट्यूड देखना है, तो हमें यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, कितनी हीट लॉस कर रहा है? क्या आपके पास इसकी हीट, स्पेसिफिक हीट दे रखी है? यस, हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड वाटर 70। तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? एन सी वी डेल्टा टी, जो भी है सी, लिक्विड के लिए तो सीवी बोलना बेवकूफी है, सी ही बोलेंगे, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एन सी डेल्टा टी। तो एन की वैल्यू कितने मोल आएंगे आप ही बताइए? 500 ग्राम है, यानी 500 डिवाइडेड बाय 18। सी कितना है हमारे पास? 75.6। और डेल्टा टी कितना है आपके पास? 20। ये तो हमारा काम हो गया एक तरफ, एन सी डेल्टा टी। ध्यान रखना इसकी यूनिट क्या है? जूल है, उधर भी हमें जूल ही रखनी पड़ेगी, जबकि दिया हमें क्या है? फ्यूजन ऑफ आइस, किलो जूल पर मोल, एक मोल के लिए। तो हीट गेन बाय दिस, तो वहां पर क्या हो जाएगा? एन, जो भी मोल है एन मल्टीप्लाई बाय इस, जो भी लेटेंट आपके पास लेटेंट हीट है वो मल्टीप्लाई बस एन डेल्टा है। तो 18 ग्राम के लिए, मतलब आप सोच लीजिए किलोजूल यानी कि 18 ग्राम के लिए इतना है 6 किलोजूल। तो हम या तो मोल में है, तो हमारे पास दिक्कत क्या आ रही है कि 9 ग्राम वाटर का एक आइस पीस है हमारे पास। तो मान लीजिए हमारे पास एन आइस पीस है, तो ये एन की जगह आप पहले तो एक्स आइस पीस करिए, तो जितने आइस पीस हैं उसके आधे मोल होंगे, समझ में आ रहा है? क्योंकि 9 ग्राम का है, तो अगर आपके पास एक्स आइस पीस है तो डिवाइडेड बाय 2 मोल हो गए। हर एक आइस पीस के अंदर कितना मोल है? 1 पीस इज इक्वल टू हाफ मोल, तो एक्स पीस का मतलब एक्स बाय 2 मोल हाफ, यस और नो? अब हर एक के लिए लेटेंट हीट कितनी दे रखी है जो कि मेल्ट करने में काम आ रही है? 6000, बिल्कुल सही कहा, 6000। तो अब मुझे यहां पर x की वैल्यू मिल जाए, तो यहां हमारे पास आ जाएगा लगभग 14 के प्रो, तो क्या हमारा आंसर सही है? कोई ज्यादा टफ नहीं है, करें इसको। देखिए कुछ और एग्जांपल। एन आइडियल गैस इज टेकन अराउंड द साइकिल ए बी सी डी एज शोन इन फिगर, द हीट द नेट वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल। तो देखिए आप पहले ए से बी गए, बी से सी, सी से डी और डी से वापस, तो आपके पास दो ही साइकिल हुई है और एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लीजिए यहां वर्क डब्ल्यू हो रहा है, तो यहां कितना होगा? माइनस डब्ल्यू। तो ये पहले ये बताइए ये वाली साइकिल कैसी है? क्लॉकवाइज, तो यहां माइनस डब्ल्यू होगा, यहां पर क्या होगा? प्लस डब्ल्यू। नेटवर्क कितना होगा आपके पास? जीरो। तो आंसर क्या होगा? जीरो, यस और नो? तो ये हमारे पास एक और क्वेश्चन हुआ जिसका आंसर क्या आ रहा है? जीरो, यस और नो? एनी डाउट? मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट इक्विलिब्रियम विद आइस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्ट, आप अच्छे से जानते हो जो भी हीट कैपेसिटी होगी वो कैसे निकालेंगे हम? हम ऐसे निकाल सकते हैं क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, और डेल्टा टी जीरो है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट, क्योंकि डेल्टा टी जीरो है, तो 1/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये देखिए ये एक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है ए बी सी डी, जो आपको दिख रहा है ए बी सी डी, और आपसे पूछा जा रहा है पीवी डायग्राम है और आपको वीटी डायग्राम में ये कैसा दिखाई देगा, तो देखते हैं अपन वीटी में। तो सबसे पहले ए बी बताइए आइसोबारिक है, आइसोबारिक होने की वजह से वीटी में भी वो आइसोबारिक ही रहेगा, ए बी वाला प्रोसेस। तो ए बी वाला आइसोबारिक जो ओरिजिन से पास जाएगा, क्या ये सही हो सकता है अभी तक? हाँ,
और ये बी हो सकता है, बाकी दो तो काट दो क्योंकि ए और बी आइसोबारिक नहीं आइसोकोरिक है यहाँ पर, और यहाँ पर ए बी भी आइसोकोरिक, ये दो तो कट गए पक्का। अब आप बताइए ए से बी जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है जबकि यहाँ ए से बी जाने पर टेम्परेचर कम हो रहा है। अब वहां पर देखिए ए से बी जाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा क्योंकि प्रेशर कॉन्स्टेंट है, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब आंसर क्या जाएगा, सी। ये तो हमारा गलत हो गया। अब क्या ये पूरी तरह से सही है? देखो ए से बी जाने टेम्परेचर बढ़ रहा है और आइसोबारिक है, वहां पर भी वही है, फिर बी से सी जाने पर वो आइसोथर्मल है, तो बी से सी जाने पर यहां पर भी आइसोथर्मल है, उसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहां पर भी वॉल्यूम बढ़ रहा है। फिर सी से डी जाने पर, सी से डी जाने पर अगर हम वहां पर देखें तो आइसोकोरिक है, यहां पर भी हमारे लिए आइसोकोरिक है, और डी से ए जाने पर आइसोथर्मल है, वहां पर भी अगर हम बात करें डी से ए जाने पर आइसोथर्मल है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही कर रहे हैं और आंसर हमारा क्या जाएगा, सी। लिखिए इसको। एक क्वेश्चन दिया गया है डाई एटॉमिक आइडियल गैस है और 273 केल्विन टेम्परेचर है, हीट भी दे रहे हैं, वर्क भी कर रहा है और मोलर हीट कैपेसिटी सीएम पूछ रहा है, तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, देखते ही पता चल जाएगा। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए आप ही मेरे को बताइए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके लिए। उसके लिए पहले तो आप डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू निकाल लीजिए, जो आपके लिए हेल्प करेगा। तो डेल्टा ई के लिए क्या हो जाएगा, एन सी वी डेल्टा टी, क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है आप रखिएगा, तो बताइए जब आप ये कर रहे हैं एन की वैल्यू कितने मोल है, मोलर हीट है आप ए की मोल मान, शुरुआत में जब हमें दिया गया है इस दिस 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 जूल है, तो हमें कुछ भी नहीं दिया है कितने मोल है, हमने बाय डिफॉल्ट ए की मोल लेने की कोशिश की है शुरू से। सीवी की वैल्यू नहीं मालूम, डाई एटॉमिक के लिए कितनी होती है, डाई एटॉमिक के लिए सीवी की वैल्यू होती है 5R/2, और डेल्टा टी हमें नहीं मालूम, लेकिन क्यू हमें मालूम है, क्यू कितना दे रखा है 400, कहाँ दे रखा है हमारे को 100 कैलोरी हीट इज गिवन दिस, तो प्लस कितना हो जाएगा 418, और हमारे लिए वर्क डन बाय सिस्टम 209, तो आपको क्या लग रहा है प्लस 209, तो बताइए डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 209 डिवाइडेड बाय 5R/2, ये डेल्टा ई के डेल्टा टी की वैल्यू, और आप अच्छे से जानते हो सीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी, क्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास, क्यू की वैल्यू 418 और एन की वैल्यू 1 मोल, डेल्टा टी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 209/5R/2, तो ये कितनी टाइम्स कटा 2, तो ये हमारे पास आएगा कितना जाएगा, ये वैल्यू 2×5R/2, तो ये आंसर आ रहा है 5R, 5R कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको, लास्ट डी चेक करें बिल्कुल सही जा रहा है, तो कोई ज्यादा खास टफ नहीं था, इजी है प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है, वन मोल ऑफ एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस एक्सपांड इरिवर्सिबली इन टू स्टेजेस है और इरिवर्सिबल प्रोसेस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम अगर पीवी को देखते हैं यहां पर, तो हमारे को 8 और 4 लीटर, तो 8 bar और 4 ATM, तो यहां से पहले ये यहां आया, कब तक आया, जबकि 2 bar नहीं हो जाए और 16 लीटर नहीं हो जाए, यानी कि यहां 4 लीटर था हमारे पास, अब ये कितना हो जाएगा यहां पर जाते 16 लीटर, फिर वापस एक्सपांशन हुआ और वापस आगे तक चला गया, तो यहां कितना हो जाएगा प्रेशर, यहां था 8, यहां था 4, यहां 2 था यहां पर और यहां पर हो गया 1, तो यहां 4 16 और यहां पर 32, इस पॉइंट तक हम आ चुके हैं, और तीनों हमारे जितना भी हमारा प्रोसेस हुआ है ये आइसोथर्मल है, तो हमें कहीं से भी इसका एरिया अंडर द कर्व मिल सकता है, हाँ ये एरिया अंडर द कर्व होगा हमारा। तो अगर हमें वर्डन निकालना पड़े तो बहुत आसानी है, वर्डन कितना हो जाएगा, ये 2 है और यहां कितना डिफरेंस है 2×12 प्लस यहां कितना है 16×1, तो 12×2=24 प्लस 16 यानी कि 40, किसमें है हर चीज, एटीएम लीट वही है, बार लीटर है, यानी कि हम यहां पर
एक 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में कन्वर्ट करने के लिए, जूल में। तो आंसर हमें जूल में ही दे रखा है, तो ये हमारे पास हो गया 4000 जूल। अब आप बताइए 4000 जूल वर्डन आएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों मैं माइनस लगा रहा हूं, क्योंकि एक्सपांशन हुआ है, तो वर्डन माइनस में होगा पूरा क्वेश्चन में। ठीक है, और ये हमारे लिए माइनस हुआ। और आप जानते हो डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, जीरो। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू माइनस 4000 जूल है, तो हमारा आंसर प्लस 4000 जूल आएगा, या 4 किलो जूल आएगा। तो 4000 जूल आंसर क्या जा रहा है आपके पास, सी। लिखिए इसको, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। फॉर एन आइडियल गैस, मोनोएटॉमिक गैस ड्यूरिंग एनी प्रोसेस, टी इक्वल टू के वी, यानी कि एडियाबेटिक है, आइसोबारिक है, आइसोबारिक है, आइसोबारिक है। फाइंड आउट द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस, एज्यूम वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम टू बी एक्टिव। भाई मोनोएटॉमिक है, कोई वाइब्रेशन नहीं होगा, वाइब्रेशन होता है जब बॉन्ड हो, यहां तो मोनोएटॉमिक में बॉन्ड होगा ही नहीं, तो जो हमारे लिए हो रहा है सी, वो इस जगह क्या हो जाएगा, सीपी, क्योंकि केवी हमारे को दिया हुआ है, टी इक्वल टू केवी, और सीपी की वैल्यू मोनोएटॉमिक के लिए क्या होती है, 5R/2, यानी आंसर क्या जाएगा, ए। तो ए लिखें इसको जल्दी। इस क्वेश्चन को देखते हैं, हमें सीवीएम दे रखा है, बिहेविंग आइडियल वाज अलाउड टू एक्सपांड रिवर्सिबल एडियाबेटिकली फ्रॉम 1 लीटर टू 32 लीटर। देखिए ये इस तरह से जा रहा है, यहां 1 लीटर दे रखा है, और एक्सपांड हो गया, इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 32 लीटर। पी और ये वी कर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक समझने में। तो आप भी जानते हैं यहां पर क्या होता है, पी वी गामा, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू गामा, ऐसे हम निकालते हैं। तो अगर हमें कुछ भी चीज मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो कैसे करें हम, पी वन वी वन गामा, क्या हमारे को शुरुआत में वॉल्यूम दे रखा है, बाद में दे रखा है, बिल्कुल हमें सब कुछ दे रखा है। अच्छा बिल्कुल सही है, हमें क्या चाहिए था, मुझे तो टेम्परेचर मिल जाए कहीं से, तो मुझे प्रेशर नहीं चाहिए। पी की जगह मैं क्या लिखूंगा, पी की जगह लिखूंगा एनआरटी बाय वी, तो एनआरटी टी वी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी टू वी टू गामा माइनस वन, बोलो यस। तो टी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी टू की वैल्यू होगी टी वन वी वन अपॉन वी टू गामा माइनस वन, कोई समझ में आया। अब बताइए T1 की वैल्यू कितना दिया गया है आपको, T1 600 केल्विन, V1 by V2, V1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1/32, गामा की वैल्यू कितना दे रखा है हमें नहीं मालूम, लेकिन CV दे रखा है, तो CV दे रखा है 5/2 R, तो CP कितना हो जाएगा, 7/2 R, यस और नो। तो गामा की वैल्यू क्या होगी, गामा की वैल्यू होती है सीपी बाय सीवी, यानी 7/5, तो 7/5 करते हैं, 7/5 हमारे पास यही आ रहा है, तो 7/5 माइनस 1, तो ये 600, और आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 की पावर -5 लिख सकते हो 32 को, या छोड़ो मल्टीप्लाई बाय, ये कितना हो जाएगा 2/5, कोई दिक्कत। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन से 600 दोनों को मल्टीप्लाई करा, 2 की पावर -2 आ जाएगा, तो हमारे पास ये टेम्परेचर कितना आएगा, 4 का डिवाइड करो 60 में, तो कितना आ जाएगा ये 150, तो ये हमारे पास डेल्टा टी भी निकल जाएगा। डेल्टा टी निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, यहां पर टेम्परेचर कितना दे रखा है, हमने अभी हाल निकाला था 600, और अब कितना हो गया हमारे पास 150 केल्विन, तो बस यही हमें निकालना है। हमें मोलर एंथैल्पी चेंज, तो हमें बहुत अच्छे से लिख रखा है, हमें मोलर एंथैल्पी यानी कि क्यूपी निकालना है, जो कि डेल्टा एच के बराबर है, और क्या होता है ये एन सी पी डेल्टा टी, वाह। तो एन के कितने मोल है हमारे पास, जल्दी से बताइए, हम शुरू से ही एन के कितने मोल लेके चल रहे हैं, 1, हर चीज मोल में है, 1 मोल, मोलर एंथैल्पी यानी 1 मोल। सीपी की वैल्यू हमने पहले 7/2 R, सीपी होगा 7/2 R, और डेल्टा टी हमारे पास कितना है,
450 हमने अभी हल निकाला है, तो बताइए ये कैलकुलेशंस कर सकते हो आप, तो ये कितना हो जाएगा 225। टेम्परेचर हमारा कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, डेल्टा टी 450 माइनस है हो, तो यहां हमारे पास माइनस आ रहा है, तो माइनस 7 आर मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 225। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितना दिख रही है आपको, सी ऑप्शन यानी कि माइनस 1575 आर। आ रही है बात समझ में, कैलकुलेशन है करिए, लिखिए इसको। इस एग्जांपल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द नेट वर्डन इन कैलोरीज बाय वन मोल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस इन द प्रोसेस डिस्क्राइब बाय दिस 1 2 3 4, और वीटी कर्व दे रखा है और हमसे वर्डन पूछ रहा है, तो हम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यू नेट की वैल्यू क्या होगी, नेट बहुत इजी वे में जाना, डब्ल्यू 1 2, वन से गए आप टू की तरफ, प्लस डब्ल्यू 2 3, प्लस डब्ल्यू 3 4, प्लस डब्ल्यू 4 वापिस 1, ये हमारे पास चार प्रोसेस का वर्डन होगा। हम एरिया अंडर द कर्व कुछ इस तरह की लेने की कोशिश नहीं कर रहे, इज दैट क्लियर, क्योंकि हमें इंडिविजुअली वर्क निकालना है। तब आप बताइए कि हमारे लिए ये कैसे रहेगा, 1 2 1 2 प्रोसेस है कैसा, आप ही बताइए, 1 से 2 जा रहे हो आइसोथर्मल, आइसोथर्मल के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या लगेगा, 2.303 nRT, टी कितना दिया हुआ है 300, एन आर टी लॉग V2 by V1, जो कि कितना है, आप चाहे तो एलन की वैल्यू दी हुई है तो भी बढ़िया है, तो हमारे पास 2.303 का कोई काम नहीं है, और एलन की वैल्यू हमारे को दी गई है, एलन कितना दिया हुआ है 2, एलन 2 की वैल्यू हमारे पास सीधा एलन 2, पहले तो एक बार रख लो, 2 से 3 की तरफ हम जा रहे हैं, तो कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक, ये नेगेटिव आएगा, क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके पास एक्सपांशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ता है तो वर्डन नेगेटिव आएगा, या तो वहां पर 1/2 कर दो, चलिए ठीक है, खैर वो तो माइनस में ही होता है वर्डन, 2 से 3 की तरफ जा रहा है आइसोबारिक है, ये तो लग ही रहा है वी प्रोपोर्शनल टी जा रहा है, आइसोबारिक है, और आइसोबारिक के अंदर दो तरह से हम निकालते हैं, पी डेल्टा वी या एनआर डेल्टा टी, तो मेरे लिए यहां पर ज्यादा अच्छा रहेगा एनआर डेल्टा टी, एन कितने मोल दे रखे हैं यहां पर 1 मोल, तो हम 1 ही लिखे ना शुरू से ही, तो यहां फिर हमारे पास हो गया एन, एन की वैल्यू कितनी है हमारे 1, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू दे रखी है आपको कैलोरी में 2, एन आर डेल्टा टी यहां पर भी 2 लिख दीजिए, डेल्टा टी कितना है यहां पर जल्दी से बताइए, आपका कितना हुआ 300 से 600, 300 प्लस, अगला 3 से 4 आप जा रहे हो, 3 से 4 आपके लिए कौन सा है प्रोसेस है, आइसोथर्मल, वही आइसोथर्मल है, वर्डन क्या होगा माइनस एन आर, आर की वैल्यू 2, एन 2.303 एन आर टी, टी की वैल्यू कितना है 600, और एल एन क्या होगा यहां पर देखा जाए तो यहां पर वॉल्यूम जो हो रहा है वो 40 और 10, तो सीधा आपके पास 2 एल एन 2 हो जाएगा, 2 एल एन 2, बहुत सही है, और ये वैल्यू आपके लिए प्लस में हो जाएगी क्योंकि कंप्रेशन हुआ है, ठीक है। अब आपके पास कितना हुआ, इसको आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लीजिए, और एल एन 2 की वैल्यू कितने दे रखी है 7, तो मेरे पास आ रहा है माइनस 600 मल्टीप्लाई बाय 0.7, और एक माइनस 600, एक प्लस हमारे पास आ रहा है ये 1200, कोई दिक्कत नहीं है, 1200 तो हमारे पास हो ही गया, मल्टीप्लाई बाय 2, फिर यानी कि 2400 मल्टीप्लाई बाय एलएन 2 0.7, तो अब आप खुद ही देख लीजिए 600 माइनस करेंगे तो 1800, और ये आएगा आपके पास प्लस का, और फिर उसके बाद आपको कैलकुलेशंस करना है, तो कर सकते हैं ये कैलकुलेशंस, तो ये जब कैलकुलेशंस करेंगे
तो मैं ही कर देता हूं, चलिए। तो मेरे पास आ रहा है ये -600। हमारा कोई वर्डन बाकी रह गया क्या? हमारा एक और रह गया था, 3 से 4 आने के बाद हमारा 4 से ये वाला और है, एक और वर्डन हमारा बाकी है। और 4 से 1 कौन सा प्रोसेस है हमारे पास? आइसोकोरिक। तो वो वैल्यू क्या है हमारे लिए? 0। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 600 प्लस, वो हमारे पास आएगा 1800 मल्टीप्लाई बाय 0.7। तो बता सकते हैं कितना बनेगा ये? तो हमारे पास आ रहा है 56 और 7, तो 1260 तो हमारे पास आ गया ये। बारह सौ साठ ही रहेगा, बिल्कुल सही कह रहा है, 1260 रहेगा क्योंकि वो 0.7 -600। तो ये आज आपके पास आया +660। तो +660 कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन, कैलोरी में चल रहा है पूरा, लिखें इसको। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस है, सीवी दे रखा है, वास कंप्रेस एडियाबेटिकली अगेंस्ट कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ 2 atm। जब भी ये लिखा जाए कंप्रेस या एक्सपांशन अगेंस्ट दिस प्रेशर, इसका मतलब वो प्रोसेस इरिवर्सिबल है, वो प्रोसेस इरिवर्सिबल है। विच वॉज इनिशियली एट दिस टेम्परेचर प्रेशर दे रखा है, वर्क इन्वॉल्व दिस प्रोसेस इक्वल टू। तो पहले तो आप इसका कर्व बनाओ, पीवी कैसा होगा। मान लीजिए ये आपके पास 1 atm है और आप इसको 2 atm में ले गए, तो ये है प्रोसेस और फिर वो यहां तक एक्सपांशन होगा जहां उसके नेट हीट क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो ये हमारे पास इस तरह से जाएगा। क्या मुझे यहां पर मालूम है कितना प्रेशर है इस जगह? सोच के देखो, यहां मुझे 1 atm मालूम है, यहां मुझे 2 atm मालूम है। क्या मुझे यहां से यहां तक जाना है, मुझे यहां पर किस चीज की जरूरत पड़ेगी? वॉल्यूम की पता, वॉल्यूम का पता चल जाएगा तो बात ही बहुत आसान रहेगी। लेकिन वॉल्यूम से ज्यादा रहेगा यहां पर, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो टेम्परेचर पता कर लो और एनसीवी डेल्टा टी से करो। तो देखिए एडियाबेटिक होने की वजह से डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी? सोच के देखो, डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी? क्यू प्लस डब्ल्यू और क्यू की वैल्यू 0। तो जो भी डेल्टा ई होगा वो डब्ल्यू के बराबर होगा। हाँ या ना? डेल्टा ई की वैल्यू रखो एन 2 मोल, सीवी सीवी की वैल्यू दे रखी 5/2 आर। चलिए एन सीवी डेल्टा टी 5/2 आर, और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होगी? T2 माइनस, शुरुआत में कितना टेम्परेचर दे रखा है आपको? आपको शुरुआत में टेम्परेचर दे रखा है 350, तो T2 इससे तो बड़ा होगा, ये बात तो तय है पक्का। अब वर्डन रखिए, वर्डन क्या होगा? माइनस प्रेशर P2, समझ में आ रहा है? P डेल्टा V, हाँ बेटा इरिवर्सिबल है इसलिए P डेल्टा V, तो P ये वाला लेंगे, डेल्टा V लेंगे, डेल्टा V यानी कि V2 माइनस V1, या सुनो, अब ये हमारे लिए कुछ चीजें इजी रह गई, क्रॉस हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5R T2 माइनस 350। ये हमारा काम हो गया, -2 प्रेशर है। इधर देखिए ये क्या है? प्रेशर है, अच्छे से समझना। V2 हमारे को नहीं दे रखा है तो हम V2 कैसे निकालें? V2 के लिए हम लिख सकते हैं PV इक्वल टू NRT, तो V इक्वल टू N R T, T की वैल्यू T2, NRT बाय P, P की वैल्यू 2, NRT बाय दिस, और T1 की वैल्यू क्या रखेंगे? N R V1 की वैल्यू T1 जो कि 350 है, 350 अपॉन प्रेशर कितना था यहां पर? 1। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास बहुत इजी क्वेश्चन चल रहा है, कहीं कोई ज्यादा खास दिक्कत नहीं आ रही है। हम इस पूरी कैलकुलेशंस में क्या कर सकते हैं? ये भी हमारे पास एनर्जी है, ठीक है, वो भी हमारे पास एनर्जी है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। तो क्या हम यहां से T2 निकाल लेंगे? थोड़ी सी मेहनत रहेगी। T2 हमने निकाल लिया, जब हम ये T2 निकाल लेंगे
निकाल लेंगे, निकालना ही पड़ेगा। तो अगला काम हमारा क्या रहेगा, अगला काम हमारा रहेगा वर्क इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। तो वर्क की वैल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी यहां पर, डेल्टा ई, और डेल्टा ई की वैल्यू क्या होती है, एन सी वी डेल्टा टी, और एन की वैल्यू टू, सी वी की वैल्यू वही वापिस 5 R/2, और डेल्टा टी टी टू माइनस टी वन, ये पॉजिटिव आएगा। और टी टू हम इस जगह दिखेगा भी आपको 350 से ज़्यादा है, ये 450 या 550 के समथिंग की वैल्यू आएगी। तो आपके पास डेल्टा टी जो भी निकालना है और आराम से निकाल देंगे। तो 500 R, तो मेरा आंसर ये लगभग, आंसर क्या दे रखा है जल्दी से देखें, तो मेरे ख्याल से ये 450 आएगा, 350 है, 450 आएगा 32। कैलकुलेशंस करेंगे तो ये जो डिफरेंस है ये 5 R × 100, तो ये आ जाएगा 500 R, यानी आंसर गोज टू डी। वर्डन मैंने कहा नेगेटिव में लिया, मैंने तो साइन लिया है नेगेटिव, वर्डन तो हमेशा माइनस पी डेल्टा वी होता है, तो वर्डन तो हमेशा माइनस पी डेल्टा वी होता है। टी टू क्या बेटा, कंप्रेशन हो तो क्या पी पी डेल्टा वी ले लूंगा मैं, तो फिर तो अंतर तो वही रहेगा, माइनस पी डेल्टा वी लेगा, और पी ऑब्वियसली इस जगह क्या होगा आपके पास टी टू माइनस टी वन, तो कहीं ना कहीं आपके पास वो टी टू की वैल्यू से भी आपको देखना पड़ेगा एन आर डेल्टा टी, और टी टू माइनस टी वन वो अपने आप चेंजेस कर लेगा अपने आप में। इज दैट क्लियर, यस और नो, करें इसको।